बिल्कुल ही नया प्रॉब्लम है। देखिए इसमें से देखिए एयर निकल रहा है, इसको कैसे सही करेंगे? इसका साइड का कोर से एयर क्यों निकल रहा था? इसमें एक और ट्रिक है, उसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। और हेलो दोस्तों, इनाम बाइक इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ट्यूबलेस टायर आया हुआ है और इसमें बिल्कुल ही नया प्रॉब्लम है। देखिए इसके टायर का जो कोर होता है, इसमें से देखिए एयर निकल रहा है, इसको कैसे सही करेंगे? मैं आपको चारों तरफ दिखा दूँ, इसका चारों तरफ का जो साइड का कोर है उसमें से एयर निकल रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे सही करेंगे, मैं आज आपको कुछ नया बताने का कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मैं टायर को ओपन करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका साइड का कोर से एयर क्यों निकल रहा था। तो देखिए दोस्तों, मैं टायर ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका साइड के कोर से एयर क्यों निकल रहा था। देखिए दोस्तों, इसमें साइड का कोर में जंग लग गया था, जिसके कारण इसका एयर निकल रहा था। और टायर बाहर निकालने से पहले उसमें ज़रूर दाग मार लीजिएगा और उसके बाद टायर को बाहर निकाल लीजिएगा। बाहर निकाल के मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि क्यों निकल रहा था। देखिए इसका साइड का जो कोर है, इसमें चारों तरफ से जंग लग गया है, दोनों तरफ जंग लग गया है। तो इसको कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए आपको एक रेती का ज़रूरत पड़ेगा। रेती की मदद से चारों तरफ इसका जो जंग लगा है उसको आप छुड़ा लीजिएगा। देख लीजिए, बिल्कुल ही अच्छी तरह से छुड़ाइएगा, उसमें थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं रहना चाहिए। और अगर आपके पास रेती ना हो तो मार्केट से सीरीज पेपर ले लीजिएगा, सीरीज पेपर से आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लीजिएगा। और दोनों तरफ का कोर है, दोनों तरफ का कोर को क्लीन कर लीजिएगा, देख लीजिए। और स्क्रैच इसमें नहीं आना चाहिए, स्क्रैच आ जाएगा तो फिर इसमें से एयर निकलने लगेगा। और उसके बाद साफ़ कर लीजिएगा, साफ़ करने के बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक और ट्रिक है, उसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। और उसमें देख लीजिएगा, जो टायर है टायर में भी लग गया है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। कितने मैकेनिक है कि इसको साफ़ नहीं करते हैं, जिसके कारण फिर बार बार इसमें से एयर लीक होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी तरह से दोनों साइड का जो इसमें जंग लगा हुआ होगा और उसको साफ़ कर लीजिएगा। और साफ़ करने के बाद देखिए, जो रिंग होता है उसमें चारों तरफ से ग्रीस लगा दीजिएगा। अगर ग्रीस लगाइएगा तो इसमें से एयर नहीं निकलेगा, कभी भी एयर नहीं निकलेगा। दोनों साइड में आपको ग्रीस लगाना है, दोनों साइड में ग्रीस लगा करके और उसके बाद में फिर आपको टायर फिटिंग करना है। टायर फिटिंग करते समय जो आप उसमें निशान लगाए थे, दाग मारे थे, उसको ऊपर रखिएगा। और उसके बाद में अंदर का जो कोर होता है, सबसे पहले उसको बैठाइएगा। टायर बैठाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि उसमें ज़्यादातर स्क्रैच ना आए। अगर स्क्रैच आ जाता है तो उसके कारण भी हमारा जो टायर का साइड से लीक करने लगता है। तो अच्छी तरह से उसको ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा पैर से ही उसको बैठाएं। देख लीजिए, जैसे मैं बैठा रहा हूँ वैसे ही आप कोशिश कीजिएगा बैठाने के लिए। देखिए चारों तरफ से बैठ गया और उसको, इसका जो कोर होता है उसको बैठाने के लिए टायर को बराबर कर लेंगे, बीच सेंटर में कर लेंगे। और उसके बाद बीच सेंटर में करने के बाद इसमें वाल लगा करके और इसमें एयर प्रेशर का हवा डालेंगे। तो देखिए इसका कोर बैठ जाएगा, चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और इसमें 40 से ज़्यादा हवा डालेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए और टायर बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से एयर लीक कर रहा है कि नहीं। देखिए इसका साइड का जो कोर होता है, इसमें से लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं लीक कर रहा है। मैं आपको उस साइड का भी दिखा दूँ, देखिए इस साइड का पलट कर दिखा दूँ, इसमें से भी हमारा एयर निकल रहा था। आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए देखिए, चारों तरफ से भी डाल कर दिखा रहा हूँ, कहीं से भी नहीं निकल रहा है। ध्यान से अगर देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए नहीं निकल रहा है, देखिए कहीं से भी नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन